अस्सलाम वालेकुम हबीबी, चाहे आप सैयद हो, शेख हो, इमन हो या पठान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान। फिर चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान, सबके लिए 1% पेमेंट प्लान 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। रेडी? मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के गांव देवी इलाके में मुर्गी के लिए विवाद हो गया है और घर में घुसकर कुछ लोगों ने हारून और उनकी बीवी की जमकर पिटाई कर दी। दोनों को काफी चोट भी लगी है। हारून ने बताया कि उनके घर के पास गांव देवी मंदिर के नज़दीक कुछ लोग यहां अक्सर बैठकर नशा वगैरह करते हैं। इसमें से एक शख्स हारून की एक मुर्गी को पकड़कर ले जाने लगा। मुर्गी पकड़ने की वजह पूछी कि आखिर मुर्गी को क्यों पकड़ा, तो वो गाली गलौज करने लगा और हारून और उनकी पत्नी के साथ घर में घुसकर मारपीट हुई। हारून के सर में चोट लगी है, उनकी बीवी को भी काफ़ी चोट लगी है। हारून का आरोप है कि करीब 8 से 10 लोगों ने घर में घुसकर हमला किया है। इस मामले में उन्होंने पुलिस में भी शिकायत की है, मगर अभी तक बता रहे हैं कि कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहीं हारून ने यह भी बताया कि पहले भी उनकी 4 से 5 मुर्गियों को पकड़कर उन लोगों ने खा लिया और कल शाम के वक्त एक मुर्गी फिर पकड़े तो मना करने पर घर में घुसकर मारपीट की गई। हारून और उनकी बीवी ने क्या बताया है, सुनिए। हारून भाई, आपको चोट आई है, मारपीट हुई थी आपके साथ, तो क्या पूरा मामला है, कब हुई थी ये मारपीट और कहाँ पे हुई? 5 बजे इधर ही अष्ट विनायक चाल के सामने मुर्गा हमारा पकड़ लिया था, उसी से बतरसन हुआ। उसके बाद मगरिब के बाद 7:30 बजे आके अष्ट विनायक चाल कहाँ पर? अष्ट विनायक चाल यही है, कहाँ पे? गाँव देवी। अच्छा, गाँव देवी मंदिर के पास। क्या हुआ था? तो 7-8 लोग आए और आके घर में घुस के मारने लगे। 5,000 रुपये निकाल लिए पर्स से और मार के गए। कौन थे मारने वाले? मारने वाले पकिया और रोनी। अच्छा, तो क्यों हुआ था? आपका 3 लोग थे, लेकिन इनके साथ में 8-10 लोग थे, ये सब मिला के 10 लोग थे करीब। जो मारपीट हुई आपके साथ, क्या कारण था मारपीट? कारण यही, मुर्गा पकड़ के ले गया, उसको रोका गया तो गाली पकड़ देने लगा और उस टाइम छोड़ के चला गया। फिर बाद में आके सामने लूटा भी, 5,000 रुपया निकाल के लेके गया। और घर में मुर्गा किसका था? मुर्गा हमारा था। आपका था? हाँ। तो वो क्यों पकड़ के लेके जा रहे थे? जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहा था, चोरी करके। चोरी करके मुर्गे मेरे और पकड़ के ले गया। 3-4 मुर्गे और इससे पहले खा गए, पकड़ के 4-5 मुर्गे खा गए। पुलिस स्टेशन गए थे क्या? पुलिस स्टेशन जब भी नहीं गए थे हमारे, मुर्गी मुर्गा की चोरी में नहीं गए थे। नहीं, आपकी जो मार्केट देखे नहीं, नहीं थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन गए थे। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में बोले कि शिवाजी भी जाओ, तो शिवाजी से जाके लेके आए तो अभी बोलते हैं कि शरबत चालू नहीं है, आना 2-3 घंटे के बाद। कब हुई है मारपीट आपके साथ? मारपीट हुआ है कल, कल रात में। हाँ, 7:30 बजे। कल रात से अभी तक FIR भी नहीं ली गई आपकी? FIR लिख के रख दिए बोलते हैं और दिए नहीं, उसका कोई रिपोर्ट दिए नहीं। क्यों नहीं दिए? बोले कि सर्वत चालू नहीं, जब चालू हो जाएगा तो हम तुमको बुलाएंगे, फोन करेंगे। अच्छा, तो अभी तक फोन अभी तक फोन नहीं आया। वो पकड़ के उसको ले गए, ले उसको पकड़ के लेके गए रोनी को, छोड़ दिए वापस, लेके आके फिर छोड़। हाँ, लेके जाके छोड़ दिए, वहीं से भगा दिए, भगा दिए बहाने। तो इनके साथ भी मारपीट हुई? हाँ जी सर, मेरे को भी पेट में। क्या नाम है आपका? मेरा सफीना बानो। क्या लगता है आपको? ये मेरे हस्बैंड है। क्या हुआ था? अरे सर, वो मुर्गी के उसमें पकड़ के ले जा रहे थे तो लड़के मतलब बोले कि मेरी मुर्गी, तो बोल रहा नहीं मेरी, तुम्हारी नहीं है, मेरी है। तो मैं लड़के बोले तो किसी भी तरह से कैसे भी छुड़ाए। फिर उसके बाद मैं गई वहाँ पे, तो मेरे हस्बैंड अंदर कुरान पढ़ रहे थे, मैं वहाँ पे गई तो मैं बोली मुर्गा मेरा क्यों पकड़ के ले जाए, बोल रहा क्यों ना पकड़ के ले जाऊँ, मेरी मर्जी मैं ले जाऊँगा। तो मैं बोला क्यों, तो मेरे को गाली देने लगा, डायरेक्ट गाली बकने। मैं बोली गाली क्यों दे रहा था, बोल रहा क्यों नहीं पिए था, गाली बकने लगे थे। तो ये आया तो इनसे बतरसन हुआ, उतनी टाइम इनके ऊपर हाथ वात उठाया मारने के लिए, तो अपना हाथ वात ये पकड़े, उसके बाद भगा दिए। फिर डायरेक्ट दौड़ के आया, बोलता है किस चीज़ से मारा है? हाँ, वो चक्कू लेके आया था और डंडा था, ये पलाई पड़ी थी, वो थी वो थी, सब चारों तरफ पलाई, पत्थर, ईंटा पत्थर जो पाए हैं वो सर में देखो मेरे, ये भी मारे, ये पूरा मेरा सर ये फटा है, ये फटा है, पूरा सर फटा है, पूरा ये हाथ, ये देखो सब पूरा, ये पूरा हाथ वहाँ सब सूजा है, यहाँ पे मारे हैं सब, बुरी तरह से अंदर घुस के सब मारे। पैसा तब सामने ही पर्स में टांगा था, वो भी निकाल के ले गए। मेरे बच्चे को एक तो को झिटिक दिया उठा के, छोटा सा था 2 साल का,
उसको भी छिड़क दिए। मैं मना कर रहे थे, बोल रहे थे, तो खूब गंदी गंदी गाली दे रहे थे। मैं गई तो मेरे को लाश इनको मार के मेरे हस्बैंड को गिरा दिए, बोल रहे तुम रहना में मार डालेंगे, काट डालेंगे, बोल के धमकी दे के गए यहाँ पे। इससे पहले भी ऐसे लोग यहाँ पे करते हैं हमेशा? हमेशा सर यहाँ पे हो, किसी न किसी से होता ही रहता है, जिसको पा जाते हैं उसी के साथ ऐसी पी पा के। हाँ सब यही पूरा ग्रुप 10-15 का हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं अगर एक से कुछ झगड़ा हुआ तो 10-15 पूरा आके चढ़ के आते हैं। पुलिस स्टेशन में जाके बताया गया आपको भी मारा गया था? बोले सब, मैं पूरा दिखाई, पूरी मेरी जांच हुई, पूरी रिपोर्ट सब कुछ दिखाए दिए जाते, कागज भी वहाँ पूरा कागज सब चीज दिए। शिवाजी हॉस्पिटल में भी कागज मेरा रखा है, सोनोग्राफी एक तरह। तो बोले कि सर्वे नहीं है तो ये है, तो वो यही करके सब टाल रहे हैं। अच्छा, अभी तक बोले तुम जाओ वहाँ पे, मैं फोन करके आपको बुलाता हूँ, सर्वे आ जाएगा तो आप पर्ची आके ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा। कल अभी शाम में 7 बजे हुआ है? हाँ, 7 बजे से अभी तक कुछ भी नहीं। सुबह फिर मैं गई 10:30 बजे। अच्छा। सब लोग चली के हम लोग गए तो बोले ठीक, पहले तो बोल रहे सर्वे नहीं जाओ, ये है वो कर रहे थे। तो मैं दूसरे लोग के पास गई तो घर वो करे, लेकिन बोले अभी आओ, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ, सर्वे डाउन है, उसके बाद फोन कर रहा हूँ। तो अभी तक फोन नहीं करे, इतना टाइम हो गया दोपहर से, अभी तक फोन नहीं आया किसी का, अभी तक फोन नहीं, फोन नहीं आया। एफआईआर भी नहीं ली गई? हाँ नहीं ली, बोल अभी आपके एफआईआर? हाँ कुछ भी नहीं हुआ, अगर एफआईआर सर लिए होते तो इतनी टाइम तक में कुछ ना कुछ तो होता ही ना। आते वो लोग पता करते पकड़ते, मैं बोली भी कि 3 लोग का घर भी जानती हूँ, 2 लोग का, 3 लोग का नाम जानती हूँ, चलो। लेकिन बोले जब ये अरे का फगिया नाम है और एक का रोनी है, 3 लोग को मैं पहचानती हूँ, यही गांव देवी के रहने वाले हैं। हाँ एक का वहाँ पे घर है, एक का उधर चक्की के पास है, एक का इधर कहीं घर है। 3 लोगों को जानती हूँ, वो थे 10-12 लोग थे। वो स्प्राइट में दारू मिला के लाए थे बाटल में, वो वहाँ पे वाइट बाटल पड़ी है, उठा के मुंह पे डायरेक्ट हमारे मारे हैं, उसमें दारू मिली थी। नशा भी करते हैं? हाँ सब नशा भी करते हैं, वो दारू की बाटल हम लोग को वही शराब की बाटल मुँह पे हमारे फेंक के मारे है, हमको गंदी गंदी गाली ने मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे थे अपने तरफ, बोल रहे थे तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा ऐसा बोल रहे थे सब। मजा के वहाँ सर से बोली।